आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, आप इस प्राइस को देखिए, इस क्राउड को देखिए, ये किताबों की लाइन लगी हुई है। मैं एक औसत इकोनॉमिक्स कैलकुलेशन करूं तो अगर इस देश में 5 करोड़ लोग भी अगर इस तरह के पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते होंगे और 10,000 भी एवरेज फीस है, तो आप उसके इकोनॉमिक्स को काउंट करके देखिए। एक सिंपल से गवर्नमेंट इतनी छोटी सी बात या तो मुझसे समझ ले या मुझे समझा दे कि ये बुक खरीदने की जगह ये बुक ऑन रेंट क्यों नहीं करती, कि पेरेंट्स रेंट पे बुक लें, सरकार या स्कूल किताबों की एक फंड बना लें और हर साल पेरेंट्स उसको रेंट पे ले और अगले साल उस किताबों को जमा कर दें। इससे एनवायरमेंट बचेगा, पेरेंट्स बचेंगे और सरकार बचेगी, क्योंकि एजुकेशन इस समाज का स्ट्रेंथ है, इस देश का स्ट्रेंथ है। अगर एजुकेशन एक्सपेंसिव होगा तो एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल ऐसे स्कूलों में पढ़ नहीं पाएगा और ये देश का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो ये जो एजुकेशन, बुक्स और स्कूल के बीच का एक नेक्सस बना हुआ है, इसको तोड़ के हम एजुकेशन को बचा सकते हैं।